को आज पांचवी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने शुक्रवार को चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु पहुंचते ही सबसे पहले केएसआर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन बेंगलुरु होते हुए चेन्नई से मैसूरू तक का सफर पूरा करेगी। ये देश की पांचवी और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुका है। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:50 पर रवाना होगी, जो कि 359 किलोमीटर की रफ्तार के साथ 10:25 पर बेंगलुरु सिटी जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन 5 मिनट के लिए जंक्शन पर रुकेगी और इसके बाद 10:30 पर रफ्तार पकड़ेगी। यहां से 137 किलोमीटर रफ्तार के साथ वो अपने डेस्टिनेशन स्टेशन यानी कि मैसूर 12:30 पर पहुंचेगी। इसके बाद वापसी में मैसूर से चेन्नई ये ट्रेन दोपहर 1:05 पर रवाना होगी और 2 बेंगलुरु पहुंचेगी। बेंगलुरु 5 मिनट रुककर 3 ये ट्रेन बेंगलुरु से चलेगी और फिर 7:35 पर ये ट्रेन चेन्नई पहुंचेगी। इस ट्रेन के केवल 2 स्टॉपेज होंगे, बेंगलुरु और कटपड़ी। आपको बता दें, ये ट्रेन हफ्ते में 6 चलेगी, बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। इस ट्रेन का नाम चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी, जो कि चेन्नई से मैसूर तक का सफर 6:40 में पूरा करेगी। आपको बता दें, ये ट्रेन चेन्नई से बेंगलुरु और फिर वहाँ से मैसूर तक का सफर तय करेगी। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इकोनॉमी क्लास का किराया ₹921 तय किया गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए इसका किराया ₹1,880 तय है। आइए अब आपको बताते हैं वंदे भारत ट्रेन की क्या है खासियत। स्पीड, सुरक्षा और सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहचान है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है और इसमें शताब्दी ट्रेन जैसे कोच है, लेकिन यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव है। इसके अलावा सभी कोच में ऑटोमेटिक डोर लगे हैं, जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री प्रणाली सूचना, मनोरंजन प्रयोजनों के लिए ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट, वाईफाई और बहुत ही आरामदायक बैठने की जगह के अलावा घूमने वाली कुर्सियां भी वंदे भारत में मौजूद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।